राज्य आश्रय में कलाएं फलती है और फूलती है और विकसित होती है, ऊंचाइयों को तभी छूती है जब किसी बड़े का सहारा हमको मिलेगा। तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और आर्ट प्रेमी लोग भी हैं। खरे अर्थ में जो टर्निंग पॉइंट की बात कहूं मेरी जिंदगी में, वो आया 2008 में। 2008 से टिल टुडे हर साल करीब 2.5 से 3 लाख गिफ्ट बॉक्सेस सनराइज कैंडल को काम मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से, जिस वजह से एक 5-5.5 महीने तो एक 13-13.5 हजार मेरे दिव्यांग मित्रों को सिर्फ रिलायंस के तरफ से काम मिल जाता है। तो उसी डाइंग आर्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेताजी की वजह से जो हेल्प हुई है, जो कारीगर टूटते गए वापस वैसे के वैसे आने लग गए, और धीरे 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 अभी अभी 3 साल पहले कम से कम 30,000 से 35,000 पीस का ऑर्डर मिला, उससे वापस ये कंटिन्यू जुड़ गई। रिलायंस की वजह से ये आर्ट काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जब कोरोना आया तो बिजनेस एकदम डाउन हो गया, और उस टाइम पे बहुत सब व्यूअर लोगों का हालत बहुत ख़राब था। उसी टाइम पे रिलायंस ने हमको एक अच्छा ऑर्डर देके बहुत बड़ा काम स्टार्ट किया। करीबन 30,000+ ये ऑर्डर था, और उसके बाद अभी ये बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। 19 में हमारे पास समझो एक 1200-1500 के लगभग लोग थे, अभी वो 1800-1900 तक हो गए हैं, और अच्छा एकदम चल रहा है। उनकी बहुत हमको टाइम पे मदद हुई, इसकी वजह से ये काम अच्छा चल रहा है। रिलायंस फाउंडेशन जो है वो उसको हमको इतना सा मदद किए हैं कोविड के टाइम से, अभी तक बहुत सा मदद कर रहे हैं। तो उनकी वजह से ये स्कूल चल रहा है। बहुत सा हम लोग पेंटिंग का ऑर्डर मिला तो वो बना के हम लोग बहुत खुश हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हमारे लाइफ में तो काफ़ी मदद की है। जैसे हम एक टाइम पे इनका डॉक्टर की शादी, लड़की का शादी हो रहा था, तो हम लोग के लिए एक्चुअली 2 दिन डेमो के लिए बुलाए थे। एक्चुअली जो आर्ट की कदर करते हैं तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले थे। हमारा काफ़ी सारे पेंटिंग भी खरीद के लेके गए थे वहाँ से, और उसके वजह से हमारी जो आगे की सफर था काफ़ी बढ़िया था। वैसे मैं मेरे जीवन का एक यू टर्न यहाँ पे भी हुआ, या भाग्योदय का समय कहना चाहिए। मैं परिमल भाई नथवानी जी रिलायंस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि आप इसको द्वारकाधीश क्यों पिछवाई बनाया जाए। तो उनके आशीर्वाद से मैं एक 30 पेंटिंगों का द्वारकाधीश का एक बहुत अच्छा सीरीज तैयार किया। उन्होंने उसका एक इवेंट किया, उस इवेंट के बाद में मेरा भाग्योदय हो गया। बहुत सज्जनों ने मेरे को कांटेक्ट किया पिछवाई बनाने के लिए। मेरी आमदनी बढ़ी, मेरा नाम बढ़ा, मेरा सब कुछ हुआ रिलायंस के मार्फत। रिलायंस की वजह से हमारा भी एक गुडविल हो गया, सबको इधर एरिया में पता चला कि ये अभी अंबानी के साथ रिलायंस के साथ काम कर रहे, तो और भी कस्टमर भी बढ़ रहे और बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। रिलायंस फाउंडेशन हमें ऐसे उसी तरह मदद करते रहे ताकि पूरी दुनिया में ये पटचित्र रोशन हो। बहुत खुशी है कि मेरा जो वर्क है, मेरी फैमिली का की जो इतनी मेहनत है, वो एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मेरे को एग्जिबिट करने का, शो करने का मौका मिलेगा। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें साथ दिया है वक्त वक्त से, और भी उम्मीद है इनसे कि ये आगे भी इसको और बड़ा वर्ल्ड लेवल पर इसको प्रचार करे। या रिलायंस फाउंड से हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, और उसके आगे जो है तो जो काम आएगा उसको हम पूरा करेंगे, उसको देखभाल में लगे रहेंगे उसके। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन ने फिर से शुरू किया ये काम, इसमें बहुत जान आई है, मैं शुक्रगुजार हूँ उसके। मैं चाहता हूँ रिलायंस फाउंडेशन ऐसी हमको मदद करें और इस काम को आगे ले जाएं। जब कंपनियाँ कोई अगर साथ देती तो और अच्छा कारोबार बढ़ेगा, जब रिलायंस सहायता देगी तो और अच्छा बढ़ेगा। जो ये रिलायंस फाउंडेशन वाले हैं, इसकी नई पहचान मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका आएगा। हमारा 4 साल लगता है या 5 साल लगता है किसी कारीगर को, उसको आगे बढ़ने का मौका आएगा और कस्टमर मिलेगा अच्छा सा। रिलायंस फाउंडेशन है ना, क्या चाहन तुम हाँ बड़ फर्म, तुमो क्या मदद, तुम करान मदद अकान तुम मदद कर, तुम हकान पान ये माल योर नित, पान हकान तुम कन कर, मिल तम सदद। गरीब गुरबात ये लकट लकट कारीगर, तुम तौर बड़ बार मुलाजिम।
और माननीय श्रीमती नीता अंबानी जी और माननीय मुकेश अंबानी भाई साहब के लिए तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है, आप जरा सा साथ दे तो क्या बात है। चलने वाले तो एक पांव पे भी चल लेते हैं लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। हमारे से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और आशा रखेंगे कि हमारी जो कलाएं लुप्त हो रही है उनको जरूर गति देंगे।